जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम चर्चा करेंगे पितृ अमावस्या कब है। पितृ अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू पंचांग के मुताबिक सर्व पितृ अमावस्या इस बार 25 सितंबर को पड़ रही है। ये अश्विन कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि की शुरुआत जो है 25 सितंबर को सुबह 3:11 से शुरू होंगी तथा इनकी समाप्ति होंगी 26 सितंबर को सुबह 3:22 पे। जाने इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर्व पितृ अमावस्या के दिन हमें तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण आप किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं। इस दिन कभी भी अपने घर से किसी को खाली न जाने दें। अगर घर के बाहर भी कोई भिखारी या कोई मांगने वाला आता है तो उसे कुछ ना कुछ देकर ही वापस भेजें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जिससे अगर कोई ऐसा करता है तो उससे पितृदोष लगता है। इस दिन अपने पितरों को याद करें व उनके नाम से जितना ज़्यादा हो सके दान पुण्य करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम जानते हैं तो पितृ अमावस्या का क्या महत्व है, क्यों मनानी चाहिए, हमें क्यों करना चाहिए। सनातन धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को तर्पण करते हुए उनको तरह तरह के व्यंजन बनाकर अर्पित करना चाहिए। वहीं पितृ पृथ्वी लोक पर आकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन कई तरह के भोजन बनाकर कोए को खिलाना चाहिए, गाय को, कुत्ते को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोज कराने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्ति पाता है। वह नौकरी व्यापार में आ रही परेशानी या घर परिवार में किसी तरह की और परेशानी आ रही है तो उससे छुटकारा मिलता है। तो ये थी पितृ अमावस्या के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप सो ये आपके ज़रूर काम आएगी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच।